भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा ने अपना चुनाव प्रचार जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। इसी उद्देश्य से वह विभिन्न स्थानों पर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बाड़ी गुमाना, बाड़ी पंचायत, सुंदोहा पंचायत का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान लोगों के घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। वहीं वह कांग्रेस पार्टी छोड़ने की वजह भी लोगों को बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में भी लोगों को बताना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, उससे उन्हें लगता है कि इस बार जीत की ओर अग्रसर होंगे, भाजपा को सत्ता में लाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। आज हम बाड़ी गुमानो, बाड़ी पंचायत और तरनो दो पंचायत का दौरा आज हमारा रखा हुआ कार्यक्रम, तो तीन पंचायतों का आज हमारा कुछ एरिया कल कवर हो चुका था, कुछ आज करने जा रहे हैं। और इन सभी को हमारा जो विशेष कार्यक्रम है कि जनता के बीच में जो बात पहुंचाना है, क्योंकि पहले मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं, तो क्या कारण हुए हैं, किस कारण से मुझे पार्टी में जाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी में, कम से कम उसको मैं लोगों तक पहुंचाने का मेरा कार्यक्रम है। और साथ में जो विकास के काम मैंने किए हैं उन 5 सालों के अंदर एक मंत्री के रूप में, और उसको भी जनता के बीच में मैंने पहुंचाने का कार्यक्रम है। और जिस तरीके से मुझे हर जगह जो लोगों का स्नेह और प्यार मिल रहा है, उससे मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और इसलिए सबका सहयोग, आज सबसे ज्यादा तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दिल खोल कर आज हमारे साथ चले हुए हैं, और लोगों के बीच में वो पार्टी को और मनोबल जो बढ़ रहा है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी ये लड़ाई मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ है, न कि कांग्रेस पार्टी के साथ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की वजह से उन्हें अपमान झेलना पड़ा है। प्रतिद्वंदी होता है क्योंकि वो भी नेशनल पार्टी के कैंडिडेट के रूप में, कांग्रेस पार्टी के रूप में खड़े हैं, और इस तरीके से हमारी लड़ाई, तो क्योंकि मेरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से मात्र राज वीरभद्र सिंह जी से, कांग्रेस पार्टी होती तो हम से बात करते, परंतु जो कांग्रेस पार्टी के अंदर राजा वीरभद्र एक पार्टी बन चुकी है, जिसमें कुछ 5 प्यारे हैं जिनके माध्यम से 5 साल जो है उन्हीं के कार्यक्रम जो होते थे, उनके काम माध्यम से काम होते थे, वो भी हमारे परेशानी का स्वरूप बना होता है। आज 5 प्यारों के लिए जवाब देने के लिए जो है सदर चुनाव हल्का, उनके क्या जवाब देगा, इस चुनाव का रिजल्ट बताएगा इसके बाद।